एक बहुत बड़ी अपडेट कानपुर आपको लिए चलते हैं। वहां पर राजौरी में शहीद करण सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। संजय त्रिपाठी वहीं पर हमारे संवाददाता मौजूद। जी विवेक, मैं तस्वीरें दिखाता हूं। करण सिंह यादव का पार्थिव शरीर इस वक्त यहां पर आ चुका है और सेना के पुलिस के अधिकारी अगवानी करते हुए शहीद करण सिंह का पार्थिव शरीर यहां पर ले आए हैं और लगातार पूरे रास्ते में तिरंगे झंडे लिए लोग जो हैं, उनके गांव के लोग, उनके पास पड़ोस के लोग करण सिंह के पार्थिव शरीर का स्वागत कर रहे हैं। चूंकि ये गर्व की बात है, ये शहादत इस पूरे गांव के लिए गर्व की बात है और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, जो सेना के अधिकारी हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं और पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए भावपुर स्थित उनके पैतृक आवास में रखा जाएगा। आप देख सकते हैं भारी जमावड़ा इस वक्त यहाँ लोगों का है, लोगों में निश्चित रूप से ये गम की, दुख की बात है। ये देखिए परिवार, जिस गाड़ी में परिवार बैठा हुआ है वो आए हुए हैं। इसमें करण सिंह यादव की पत्नी है, उनके चाचा हैं, उनके फूफा हैं, ये सारे लोग पहुँचे हुए थे देहरादून उनके शव को लेने के लिए और वो शव लेकर के अभी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। पूरे जो रास्ते आप देखिए चारों तरफ लोगों का जमावड़ा है, हर तरफ करण सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ लोग उमड़े हुए हैं। पूरा जनसैलाब यहाँ आपको चारों ओर दिखेगा, चारों ओर की तस्वीरें देखिए, पुलिस फोर्स का इंतजाम भारी किया गया है। तो शहीद करण कुमार के घर से वो उनके घर पर आ चुका है, सेना के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जी संजय, जी देख सकते हैं आप किस तरह से जो परिजन हैं वो विलाप कर रहे हैं। दुख की घड़ी है, शौर्य की बात भी है लेकिन एक दुख की बात भी है उस परिवार। आप देख सकते हैं जो परिजना है उनका संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है और पूरा दिन जाता है, चारों तरफ देखिए तिरंगे झंडे लगा करके शहीद करण सिंह यादव का स्वागत किया गया है। उनका पार्थिव शरीर अभी भी उनके घर पर पहुंचा हुआ है और मैं आगे की ओर ले चलूंगा, आपको तस्वीरें दिखाता हूँ किस तरह से जो लोग हैं वो चारों ओर जमा है। सिर्फ करण सिंह अमर रहे, ये नारेबाजी लगातार यहाँ पर हो रही है, पुलिस की सुरक्षा इंतजाम भी यहाँ पर किए गए। आपको कैमरा मैन केवल सिंह से कहूंगा कि आगे की जो तस्वीरें हैं उसको भी दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं आज उसका जो पार्थिव शरीर है उसको उनके घर के बाहर जो जगह जो स्थान निर्धारित किया गया है वहाँ पर रखा जाएगा। तिरंगे में लगता हुआ शहीद करण सिंह यादव का जो शव है अब उनके घर के बाहर लाया गया है, अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर कुछ देर के रखा जाएगा और इसके बाद बिठूर जो घाट है वहाँ पर ही पहुंचते हैं। आप देखिए ये जो छोटा सा बच्चा है ये करण सिंह यादव का बेटा है, 1.5 साल इसकी उम्र है और 5 साल की बेटी है जो आगे ले जाई गई है। अभी अपनी माँ के साथ आए हैं ये सारे लोग, ये छोटे छोटे बच्चे शहीद। तो शहीद करण कुमार के घर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये दुख का क्षण तो है लेकिन उसी के साथ साथ ये गर्व का क्षण है, ये शौर्य का क्षण है। ये जो गलियां आप देख रहे हैं ये शहादत की कहानी कह रही हैं और गर्व कर रही हैं कि इन्हीं गलियों में करण कुमार हुए थे, बड़े हुए थे और उसके बाद भारत माता के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। आप देखेंगे गांव में जो आसपास के लोग हैं वो आए हुए हैं, ऐसे हालात में जो खबर मिलती है तो खबरों के बाद लोग अगल बगल के पंचायत के लोग भी आते हैं, जिले के लोग भी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद हैं, पार्थिव शरीर आया है और अंतिम विदाई अब उन्हें दी जा रही है। घर वालों के लिए ये पूरे देश के लिए कठिन क्षण तो है ही लेकिन ये गर्व का क्षण भी है कि हम भगत सिंह की परंपरा के लोग हैं और उस वक्त में आप देखेंगे कि पूरे सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ ये शव लाया गया है, आखिरी विदाई दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा। ये ताज़ा तस्वीरें संजय त्रिपाठी हमें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। संजय को अगर मेरी आवाज जा रही है, संजय ओवर टू यू। बहुत दुख का फल है, शौर्य का भी फल है, निश्चित रूप से एक पराक्रम दिखाया है करण सिंह यादव ने और वो शहीद हुए हैं लेकिन ये दुख का भी फल है पूरे गांव के लिए। निश्चित रूप से जो आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, बेहद गमगीन हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त जो करण सिंह यादव का पार्थिव शरीर आएगा तो उसका पांचा लगा हुआ है। मैं अपने कैमरा मैन कई चीजें कहूँ की उसे जो तस्वीर दिखाएं, ये छोटा बच्चा आप देख रहे हैं भाई साहब की गोद में, ये शहीद करण सिंह यादव का बेटा है, 1.5 साल इसकी उम्र है। तो वीरता के परंपरा की गवाही देती ये तस्वीर है, लोगों का हुजूम उमड़ा है आखिरी सलामी देने के लिए और आखिरी दर्शन के लिए। घर के लोग तो है ही, आसपास के पुलिस अधिकारी जो स्थानीय नेता होते हैं वो आते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा था उस शौर्य की कि बिहार के नालंदा में भी जब
उनका बेटा शहीद होता है तो पिता ये कहता है कि मेरे दो और बेटे हैं, देश की रक्षा में वो जाएंगे। उसी तरह से ये उत्तर प्रदेश में कानपुर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, शहीद करण कुमार उनके घर पर क्या तस्वीरें हैं, हुजूम उमड़ा पड़ा है, सब लोग यहाँ आए हैं अंतिम दर्शन के लिए। कानपुर में जो राजौरी में जो हमला हुआ था, कानपुर के ये करण कुमार शहीद हुए थे और उसके बाद पार्थिव शरीर आज कानपुर लाया गया है राजकीय सम्मान के साथ। संजय पहुंचा है और आसपास के जितने लोग हैं, आसपास के गांवों के जितने लोग हैं, जितने पहुंचा है और आसपास के जितने लोग हैं, आसपास के गांवों के जितने लोग हैं, जितने रिश्तेदार परिचित हैं, जिसको भी ये खबर मिली है वो इस वक्त करण सिंह यादव के घर पर पहुंचा हुआ है। ये शहादत को नमन करने के लिए, इस शहादत को सलाम करने के लिए यहाँ पर जनसैलाब उमड़ आया हुआ है और ये सारे लोग एक झलक देखना चाहते हैं शहीद करण सिंह यादव की, जो इस वक्त उनके घर उसके आसपास उमड़े हुए हैं। इन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि देखिए ये भावनाओं का ज्वार है। एक एक, एक गाँव का एक 26 साल का युवक करण सिंह यादव, जो अभी कुछ साल पहले सेना में गया था, उसकी शहादत हुई है। जिस तरह से अब उसका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया है तो हर कोई चाहता है कि एक बार उसको श्रद्धांजलि दे सके और यही सारी चीज़ें हम यहाँ देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उमड़े हुए हैं, जिसे जहाँ पर जगह मिल रही है खड़े होने की वो वहाँ पर जमा हुआ है, छत हो, मकान हो, जहाँ पर भी हो। अब इस वक्त देखिए ये अंतिम दर्शन के बाद में जो पार्थिव शरीर है वो इस वक्त यहाँ से ले जाया जा रहा है, चूँकि नज़दीक में यादव का पार्थिव शरीर अब कुछ ही मिनटों के बाद में उनके घर के बाहर रखने के बाद यहाँ से लेकर के और बिठूर जो घाट है वहाँ पर ले जाएंगे। परिवार के लोग दमदबा है, देख सकते हैं किस तरह से जो परिवार की महिलाएं हैं, क्योंकि करण सिंह यादव की तीन बहने हैं, एक भाई वो थे, एक उनका छोटा भाई है, ये सारे लोग इस गाँव के पूरे जो आस पास के लोग हैं ये सारे के सारे इस वक्त अब बिलखते हुए आपके नजर आएंगे। कानपुर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शहीद करण कुमार के घर पर। ABP News आपको रखे आगे।